एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। आई एम रितिका एंड बैक विद न्यू मेकअप लुक। सो ये मेकअप लुक मैंने किया है ग्लिटरी आई मेकअप। सो जैसे कि अभी वेडिंग सीजन्स चल रहे हैं और एज ए वेडिंग गेस्ट ये मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, बने रहिए एंड तक मेरे साथ वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। मैंने अभी फेस क्लीन कर लिया है, फेस वॉश किया है, लेकिन फिर भी हम वेट टिश्यू लेके फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। प्राइमर ऑयल और ये स्टे क्रुकी का है, सूर्य ब्यूटी का कंसीलर सेट कर लेंगे और पाउडर से। और इसके लिए मैं ले रही हूँ स्विटमी का लूज पाउडर, मॉर्फी का जेम्स चार्ली पैलेट, और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं। सो सबसे पहले मैं इसमें लूँगी ये लाइट ब्राउन सा शेड। देन इसके बाद हम लेंगे इसमें से ये पिंक सा शेड। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे पर्पल शेड, ये डार्क पर्पल है। आउटर एरिया पे ब्लेंड करूंगी ग्लिटर ग्लू, और ये है मेकअप स्टूडियो का टू वे। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, इसके बाद हम ग्लिटर अप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ ग्लिटर मैंने अप्लाई कर लिया है। सो लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे इंग्लोट का 77 आईलाइनर, और ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है गाइस, जेट ब्लैक है। आई थिंक जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो सारे यही होते हैं। उसके बाद जो मैंने ये लाइनर लगाया है इसको ब्लेंड कर लूंगी। लोअर लेस लाइन पे काजल अप्लाई करूंगी, ब्लेंड कर लूंगी। इसको ब्लेंडिंग को आप बाहर की तरफ निकालते हुए करनी है। पे मैक का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से आप इसमें दो कोट लगा अप्लाई कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आई लैशेस, अकॉर्डिंग कट कर लें। वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो फिलर, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके इसको इनहेंस कीजिए। कई बार होता है आईब्रोज में हम ढेर सारा प्रोडक्ट लगा लेते हैं जिससे हमारी आईब्रोज नेचुरल नहीं लगती है, तो वो काम बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा थोड़ा सा लेके इसे सेट करें और इसके बाद स्पूली कर लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ड्राई आउट हो जाएगा। ये देखिए सो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों आईब्रोज में। अभी डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन या कुछ डार्क स्पॉट्स है तो हम ऑरेंज कंसीलर से इसे कट करेंगे। फाउंडेशन और मैं मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ MC37, तो ये सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन है। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए हमें इस तरह का ब्रश चाहिए होता है, फ्लैट ब्रश। तो हम इसे अप्लाई कर लेंगे और हम इसे अच्छी तरह से डैबिंग मोशन में अप्लाई करेंगे, कहीं भी कोई भी एरिया हमें छोड़ना नहीं है। हम कभी ऐसे ब्रश नहीं चलाएंगे फाउंडेशन लगाते वक्त, हमें बस ऐसे डैबिंग मोशन में लगाना है। सो मैं हमेशा बफरिंग ब्रश से ब्लेंड करती हूँ, आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आईस एरिया के आई के नीचे है लोअर लाइस, वहाँ पे हम छोटा ब्रश यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप। उसके बाद मैं करूँगी फेस की कंटूरिंग, फिंगर शेप का ब्रश चाहिए होगा, और मैं मेकअप स्टूडियो की पैलेट। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर, और ये कलर ब्लर का ब्लशर है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए अच्छे से स्माइल करना है।
हुडा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर। सिल्वर एंड कॉपर तीन चार कलर हैं। सो और कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में लिप लाइनर अप्लाई करने भूल जाते हैं और डायरेक्ट लिप शेड लगा लेते हैं। सो ये गलती ना करें, इससे आपका शेप अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर। लिप शेड के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे शुगर बार का, और ये है वाइन एंड साइन, और ये बहुत प्यारा शेड है गाइस। सो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।